रोशन डॉक्टर इनामदार, डॉक्टर सविता इनामदार। मैम, एज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आप किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं? मैं मानती हूँ कि इस देश में ज़्यादातर लोगों को बहुत सी चीज़ों के लिए अवेयरनेस नहीं है, उनके अधिकारों के बारे में, और इवन फॉर देयर ड्यू एज फॉर देयर ड्यूटीज आर कंसर्न, इवन वॉट एवर नॉलेज वी आर गेटिंग दीज डेज थ्रू साइंस, उसके लिए उसकी भी नॉलेज नहीं है। हेल्थ और मेडिकल प्रॉब्लम्स की तो जो फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए वो नहीं है। तो मैं जो मदद करती हूँ ज़्यादातर मेरे प्रोग्राम्स होते हैं अवेयरनेस के लिए होते हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। आप किस तरह के प्रोग्राम्स करती हैं? ऐसा है कि कुछ क्लिनिक चलाती हूँ और कुछ ऐसे एसोसिएशन के साथ में काउंसलिंग सेंटर्स चलाती हूँ। तो काउंसलिंग सेंटर चलाती हूँ फॉर द पेरेंट्स सो दैट दे हैव बेटर नॉलेज एज फार एज देयर चिल्ड्रन आर कंसर्न, कि उनको किस तरीके से अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं, हेल्थ कर सकते हैं। तो ये तो हेल्थ से संबंधित और ग्रोथ से संबंधित बच्चों के लिए। दूसरी काउंसलिंग सेंटर में चलाती हूँ वो है, ऑफकोर्स दे आर ऑल फ्री, वो इसलिए चलाती हूँ कि रिगार्डिंग देयर राइट्स एंड एट्रॉसिटीज अगेंस्ट वीमेन, जो औरतों को तकलीफ होती है, जो वायलेंस है उसके अगेंस्ट, तो जो अपने उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक हो या वर्क प्लेस पे हो या अदरवाइज इवन लीगल हो, तो जो उनकी प्रॉब्लम है, जो सफरिंग्स हैं, उसके लिए उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। प्लेसेस वेयर दे हैव टू, जो उनको ऐसा समझौता करना अच्छा है तो समझौता करो, समझौता नहीं करना है, मतलब अपनी सेल्फ एस्टीम को बराबर बरकरार रखते हुए यू ट्राई टू गेट योर पोजिशन एंड रिस्पेक्ट द सोसाइटी इन द होम। ये मेरा एम रहता है कि औरत को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, तो वो काउंसलिंग करती हूँ। हाँ, वो काउंसलिंग औरतों को करती हूँ और पेरेंट्स को करती हूँ फॉर देयर चिल्ड्रन। दीज आर द टू एरियाज। तो ये मैं या तो एडुकेट 1:1 एजुकेशन के साथ करती रहती हूँ, उसके बाद बिकॉज आई हैव गुड फील, आई एम ए पीडियाट्रिशियन, मैं बच्चों की ये भी देखती हूँ, तो वहाँ तो करती ही चलती हूँ। मैं उसके साथ में ही बीच बीच में कैंप्स तक होता रहता है। तो दिस इज व्हाट, एंड देन ऑफ कोर्स नाउ डेज आई हैव स्टार्टेड गिविंग सजेशंस एंड काउंसलिंग टू एडोलेसेंट्स आल्सो, एडोलेसेंट गर्ल्स खासकर, क्योंकि वो बहुत वल्नरेबल फेज होता है। इसलिए स्कूलों में और कॉलेजेस में जाती हूँ, वहाँ पे भी लेक्चर देती हूँ फॉर एडोलेसेंट हेल्थ। राइट्स के लिए जैसे मैंने कहा, जब काउंसलिंग सेंटर है तो फिर राइट्स की बात तो आ ही जाती है। आज ही मैंने किसी एक को, एक लड़की को सजेशन सुबह ही दिया, क्योंकि उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है रिगार्डिंग, शी हैज नथिंग आफ्टर गेटिंग मैरिड, 10 ईयर्स है पास, और उसके नाम से उसका कुछ भी नहीं है। इवन उसके जो ऑर्नामेंट्स है, जो स्त्री धर्म कहलाता है, वो भी इन लॉज ने ले लिया विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, भाई रख देंगे दे देंगे, और शी हैज़ गॉट नथिंग। तो शी वॉज फीलिंग नर्वस, क्योंकि अब हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रहे, जो हिम्मत थी कि जो सामान था थोड़ा बहुत तो वो भी चला जा रहा है, तो शी कैन ऑलवेज क्लेम फॉर दैट स्त्री धर्म, दैट इज हर्स, उसका हस्बैंड, तो वो उसको मिलेगा। तो उस तरीके से जो हेल्प कर सकते हैं वो करते हैं। लोगों में जो मिथ्स हैं यहाँ पे, मुझे यूँ लगता है कि यहाँ अंधविश्वास में सभी आपने पढ़ा हो, खरगोन के कौन सी, खरगोन नहीं, धामनो के पास वो एक मैरिड कपल इंटरकास्ट मैरिज की थी, तो उसको उन लोगों ने कपड़े अपड़े निकाल करके घुमाया और उसको बेइज्जत किया। तो मतलब ऐसी जगह पे मैं आई ट्राई टू रेज माय वॉइस। हेल्थ फैसिलिटीज अपने एरिया में जो मतलब हो, कैसी हेल्थ फैसिलिटीज चल रही है, मतलब वो ये मतलब ऐसा टाइम है कि मिक्स्ड है, पैसा खर्चा करो तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मिल जाता है आपको। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में ढके हुए जाते हो, जहाँ ना तो ढंग के डॉक्टर हैं, और डॉक्टर हैं भी तो आते नहीं हैं, फैसिलिटीज नहीं है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेने के लिए प्रॉब्लम है, एक बेड नहीं मिलेगा, चद्दर नहीं मिलेगी, दो दो जन शेयर कर रहे हैं, डॉक्टर्स आते नहीं हैं, आते भी हैं तो बदतमीजी से कई बार बात करते हैं, और जो ह्यूमैनिटेरियन हाँ बहुत ही ख़राब है। तो सभी तरीके से क्या करें, जाना पड़ता है। पर ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि सभी के सब डॉक्टर्स बेकार हैं, दे आर गुड, सम ऑफ देम आर रियली गुड,
बट दे डोंट नॉट एग्जैक्ट, और फिर वो गवर्नमेंट जो दे ही रही है पैसा, तो घर बैठे ही पैसा लेने के लिए सब जगह जो जनरल डिटेरियरेशन हुआ, खासकर ये नैतिकता का जो पतन कहते हैं, तो वो मॉरलिटी खत्म होती जा रही है। एंड इस लाइन में आई फील आप तभी जाओ जब आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आपको ईश्वर ने एक ऐसा अच्छा मौका दिया है, ह्यूमैनिटी को सर्व करने का आपको इससे अच्छा मौका जिंदगी में कब मिलेगा। और प्रैक्टिस भी चलती है, होता है, सब कुछ होता है, ग्रेजुअली यू ग्रो। दिस डेज आई एम रियलाइजिंग कि ये जो बच्चे आते हैं उनको तुरंत बहुत रेडीमेड पैसा चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसिलिटीज, मतलब एज अ जो हमारे लोग हैं उन लोगों के लिए, जनता के लिए क्या फैसिलिटीज डॉक्टर्स की तरफ से दी जाती है? गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाली हुई ना आजकल? हाँ, तो सब किताबों में तो बहुत अच्छी है, सब फाइल्स में है, अच्छी अच्छी स्कीम्स है, पर इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं होती है सब में बेईमानी। अब जैसे उन्होंने गवर्नमेंट ने किया था, जैसे आपको मालूम है फैमिली प्लानिंग के लिए कितने ऑपरेशन हो जाएंगे तो प्रमोशन होगा, यू नो यू विल बी गेटिंग, तो अब झूठे आंकड़े आने लगे। जब तक इंसान सुधरे नहीं, मतलब आपका मन होना चाहिए कि भाई हाँ आप सही काम करो, एंड देन यू विल बी अवार्डेड आल्सो। पेपर कंप्लीशन नहीं लगे रहते हैं लोग सभी के पास, तो डॉक्टर्स भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी गड़बड़ है, और जो डॉक्टर्स के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफिसर बैठा हुआ है वो खा रहा है। मतलब ये खाने वाली बात तो लोग बोलते हैं, ये तो मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट इट, बट पीपल लाइक अस डोंट एक्सेप्ट इट। एंड आई फील कि यू कैन हैव अ गुड लाइफ इवन इफ यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आप जा रहे हो, तो आपका नाम भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, रीजनेबल पैसे भी मिल सकते हैं, सब कुछ। आप गवर्नमेंट फील्ड में हो तो आप कर सकते हो लोगों की हेल्प, तो बहुत अच्छा कर सकते हो, करना मतलब क्या बढ़िया बात हो जाए, एक एग्जांपल सेट हो जाए, और जो आज के टाइम पे बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल से, तो पॉलिसीज तो अच्छी हैं, कई जगह सुधार की भी जरूरत है, पर वो पॉलिसीज के बाद क्या होता है, डिस्क्रिशन भी गवर्नमेंट की तरफ से रहता है, वही सब चीजें अप्रोचेस। अब जैसे कि मान लीजिए एक लड़का जो MBBS हो रहा है, अगर उसको शुरुआत में फॉर्म भरना कह दिया गया कि भाई तुम ये फॉर्म भरो एंड यू विल हैव टू वर्क इन द रूरल एरिया फॉर 3 इयर्स, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर का बेटा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो, चाहे एक गरीब का बच्चा, तो उसके लिए अगर है तो काम होगा, पर वो फिर वहाँ रूल्स रेगुलेशन आप बदल देते हैं। सही बात, तो ऐसे ही।